सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर है। शिवसेना के हाथ से पार्टी का चुनाव चिन्ह सिंबल छिन चुका है। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना मान लिया है और इन सब के बीच आज उद्धव ठाकरे बड़ी बैठक उन्होंने बुलाया है। उद्धव गुट के शिवसैनिक बैठक में शामिल होंगे। चुनाव आयोग के फैसले पर आगे की रणनीति क्या हो इस पर मंथन विचार विमर्श किया जाएगा और दोपहर 1 बजे मुंबई में उद्धव ठाकरे बैठक करेंगे अपने तमाम सपोर्टर्स के बीच, नेताओं के बीच, शिवसैनिकों के बीच, क्योंकि अब असली शिवसेना तो शिंदे गुट की हो चुकी है, सिंबल भी सब कुछ हो चुका है। अब पहले सांसद गए, विधायक गए, सत्ता गवाई और अब पार्टी भी गई, सिंबल भी गया, नए सिरे से करनी होगी शुरुआत। हालांकि चुनौती देने की बात कर रहे हैं और इसी को लेकर आज दोपहर 1 बजे बैठक बुलाई है अपने विधायकों, नेताओं की, सांसदों की और सभी समर्थकों के साथ। चुनाव चिन्ह जाने के बाद शिवसेना की ये बड़ी बैठक और आज दोपहर 1 बजे उद्धव ने बैठक कॉल की। पहले महाराष्ट्र की सत्ता और उसके बाद शिवसेना की कमान मिलना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए बहुत बड़ा दिन। जैसे ही दिल्ली से चुनाव आयोग का फैसला आया कि शिंदे गुट को ही शिवसेना नाम मिलेगा और शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण भी उनका होगा, शिंदे के समर्थकों ने पूरे महाराष्ट्र में जश्न मनाना शुरू कर दिया। सीएम एकनाथ शिंदे मुंबई में बालासाहेब ठाकरे के स्मारक पहुंच गए। चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। ये लोकशाही का विजय है। इंदुरदेव सम्राट बालासाहेब ठाकरे जी, धर्मवीर अनंत दिघे जी, इनके विचारों का विजय है। और मेरे साथ मैंने जो भूमिका ली उसके साथ जो 50 विधायक और 13 सांसद, हजारों लाखों कार्यकर्ता, पदाधिकारी, शिवसैनिक, ये इनका विजय है। फैसले से बेहद नाराज ठाकरे गुट ने कहा कि देश से लोकतंत्र खत्म हो गया है, ये सरासर अन्याय है। मैंने जैसे कहा कि अब अपने देश में तानाशाही की शुरुआत हो गई है, ऐसा ऐलान अपने प्रधानमंत्री कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब प्रजातंत्र तो देश में रहा नहीं। चुनाव आयोग ने अपने फैसले में कहा कि शिवसेना और शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण एकनाथ शिंदे गुट के पास रहेगा। एकनाथ शिंदे के पास 40 विधायक हैं और ठाकरे गुट के पास 15। शिंदे के विधायकों के पास 2019 के विधानसभा चुनाव में पड़े 76% वोटों का समर्थन है, जबकि ठाकरे गुट के पास मात्र 23.5% का। चुनाव आयोग ने अपने फैसले में कहा है कि शिवसेना का वर्तमान संविधान अलोकतांत्रिक है, संविधान को विकृत करके गैर अलोकतांत्रिक ढंग से अपनी मंडली के लोगों को बिना चुनाव के पार्टी में पद बांटे गए। मार्च अप्रैल में मुंबई में बीएमसी के चुनाव भी अपेक्षित हैं। शिंदे गुट की सहयोगी बीजेपी भी चुनाव आयोग के फैसले से खुश है। शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे जी के विचारों पर चलने वाली शिवसेना यानी मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, इनकी शिवसेना को शिवसेना का चिन्ह धनुष बाण और शिवसेना का नाम मिला है। अब ओरिजिनल शिवसेना ये एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना बनी है। कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे के लिए चुनाव आयोग का फैसला एक बहुत बड़ा राजनीतिक झटका है। महाराष्ट्र की सत्ता तो पिछले साल उनके हाथ से अपनी ही पार्टी में बगावत की वजह से चली गई और अब पार्टी भी उनके हाथ से चली गई है। इसकी स्थापना उद्धव ठाकरे के पिता बालासाहेब ठाकरे ने की थी। मुंबई से ऋत्विक भालेकर, मुस्तफा शेख और साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो।